दोस्तों, आपने मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के राजाओं और सुल्तानों की क्रूरता वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें से एक कहानी मैं आपको बताता हूँ जिसे सुन के आप भी थोड़े से सोच में जरूर पड़ जाएंगे कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, बात उस समय की है जब भारत पर मुसलमान शासकों का शासन था और इनके राज्यों में महिलाओं की इज्जत तो ना के बराबर ही थी। कहने में थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, पर महिलाओं को कभी भी उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे, बस उनको सेक्स टॉय के जैसे यूज किया जाता था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अफजल खान की, जिसने अपनी हवस मिटाने के लिए 63 महिलाओं से शादी की थी और बाद में सबको मरवा भी दिया था। पर आखिर ऐसा इसने किया क्यों था, आइए जानते हैं कि ये अफजल खान कौन था। दोस्तों, कर्नाटक के बीजापुर में आदिल शाह नाम का एक सुल्तान था जिसके सेनापति का नाम अफजल खान था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अफजल खान सेनापति के साथ साथ आदिल शाह का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी भी था, जिसके मशवरे के बिना आदिल शाह कोई भी काम नहीं करता था। दोस्तों, इस समय पर महाराष्ट्र में मराठाओं का राज चलता था, जिसका नेतृत्व शिवाजी किया करते थे। दोस्तों, शिवाजी ने आदिल शाह की नाक में दम करा हुआ था। शिवाजी की वजह से आदिल शाह कभी भी महाराष्ट्र में अपना परचम नहीं लहरा पा रहा था, तो थककर आदिल शाह ने सेनापति अफजल खान को शिवाजी के साथ जंग लड़ने को कहा। और इसमें साफ साफ ये निर्देश थे कि शिवाजी जिंदा नहीं बचने चाहिए, और जंग के लिए अफजल खान को 1,00,000 लोगों की सेना तैयार करने को कहा गया। पर अफजल खान ज्योतिष शास्त्र में बहुत विश्वास करता था, वो हमेशा अपनी भविष्यवाणी करवाया करता था और उसके बाद ही कोई कदम उठाता था। तो उसने इस लड़ाई से पहले भी अपनी भविष्यवाणी करवाई, जिसमें उसे ये बताया गया कि अगर तुमने ये लड़ाई लड़ी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बस इसी बात से अफजल खान बहुत संकोच में आ गया, पर आदिल शाह को बता भी नहीं पा रहा था कि कहीं वो उसे कमजोर ना समझने लगे। तो उसने लड़ाई लड़ने का फैसला लिया, पर उससे पहले उसने ये सोचा कि अगर इस लड़ाई में उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसकी 63 पत्नियों से कोई और शादी कर लेगा, जो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो उसने लड़ाई से पहले अपनी सभी पत्नियों को बहला फुसला के बीजापुर से 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर ले जाने का फैसला किया, और यहाँ पर अपने सैनिकों से सभी 63 पत्नियों को गला काटकर मरवा दिया। और इसी जगह का नाम बाद में 60 कब्र रखा गया, जहाँ 63 महिलाओं की कब्र है। पर दोस्तों, इस जगह का वर्णन आपको कहीं भी किसी भी किताब या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में नहीं मिलता है। पहली बार इस जगह को 1880 में हेनरी कजन्स ने नोटिस किया था, जो उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडेंट थे, और उन्होंने ही अपनी किताब बीजापुर इट्स आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में इस जगह के बारे में बताया है, जिसके बाद ये जगह लोगों की नजरों में आने लगी। और फिर 1858 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट 1958 से इसे नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया। दोस्तों, मैं आपको पर्सनली इस जगह पर जाने के लिए मना ही करूंगा, क्योंकि ये जगह कोई घूमने वाली साइट नहीं है। पर अगर आपको हिस्टोरिकल साइट्स और उनके बारे में जानना पसंद है तो आप यहाँ जरूर जाएं, और प्लीज वहाँ जाकर इन महिलाओं के लिए थोड़ी दुआ जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगली वीडियो मैं अफजल खान और शिवाजी के बीच हुई लड़ाई के बारे में बताने वाला हूँ, तो दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और मैं अजय आपको मेरी इस YouTube की छोटी सी फैमिली में जुड़ने के लिए एक इन्विटेशन भी दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ऐसी अनसुनी कहानियाँ जिनके बारे में आपको नहीं पता वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, आप हमें Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम ऐसी ऐसी रोचक कहानियाँ डालते रहते हैं। चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अजय आपसे आज्ञा चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो या कोई शिकायत हो तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।